सचल न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। यहां पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। सूबाई वजीर तिलात बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हवाले से आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर तिलात बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कुर्बानी के हवाले से SOPs तैयार कर ली गई हैं। मखसूस मकामात पर ही फरीजा कुर्बानी अंजाम दी जाएगी। अपने जारी करदा एक बयान में उनका कहना था कि यूनियन काउंसिलों की सतह पर कुर्बानी के लिए जगह मख्तस की गई है। सॉल्ट वेस्ट बोर्ड के महकमे की जिम्मेदारी होगी कि वो आलाइशें उठाकर उन्हें ठिकाने लगाएगा। इनफरादी कुर्बानी के रुझान की हौसला शिकनी की जाएगी, जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि गंदगी फैलाने और आलाइशें फेंकने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के साथ बल्दियाती इंतजामिया मुस्तकिल राबते में रहेगी। इसके अलावा तमाम अजला की हदूद में डेप्यूटी कमिश्नर्स इज्तिमाई कुर्बानी के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं एक बार फिर कि सूबाई वजीर तिलात और बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कुर्बानी के हवाले से SOPs तैयार कर ली गई हैं। मखसूस मकामात पर ही फरीजा कुर्बानी अंजाम दी जाएगी। अपने जारी करदा एक बयान में उनका कहना था कि यूनियन काउंसिलों की सतह पर कुर्बानी के लिए जगह मख्तस की गई है। सॉल्ट वेस्ट बोर्ड के महकमे की जिम्मेदारी होगी कि वो आलाइशें उठाकर उन्हें ठिकाने लगाएगा, जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इनफरादी कुर्बानी के रुझान की हौसला शिकनी की जाएगी। गंदगी फैलाने और आलाइशें फेंकने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के साथ बल्दियाती इंतजामिया मुस्तकिल राबते में रहेगी। इसके अलावा तमाम अजला की हदूद में डेप्यूटी कमिश्नर्स इज्तिमाई कुर्बानी के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सचल न्यूज़।